अगर एलेक्स नहीं जीता तो किसी और को भी इंडियन को देते तो कोई कंप्लेन नहीं करता। आप अनिक को भी दे सकते थे, आप लवप्रीत को भी दे सकते थे, वर्धान को भी दे सकते थे। आप उनको जो अच्छा लगा वो जीता बंदा। एक्सपीरियंस तो खैर बहुत बेकार रहा, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जिसको हम देख भी नहीं रहे थे, मतलब गिन भी रहे थे कंपैरिजन में, उस लड़के को ऑल ओवर टाइटल दे रहे थे। देखो स्पष्ट बोलना जरूरी है क्योंकि दोस्तों शेरू क्लासिक में हमारे 8 एथलीट थे। अब मैं एक एक करके अगर उनका एनालिसिस करूं तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग इंडिया में कोई क्लासिक फिजिक का बॉडी बिल्डर नहीं है जो चैतन्य के आसपास भी है फ्रंट पोजेस में। हैरी संधू ने पूरे इंडियन बॉडी बिल्डर को किया ओपन चैलेंज एंड शेरू क्लासिक प्रोसो में उनके बॉडी बिल्डर की परफॉर्मेंस कैसी थी एंड अदर बॉडी बिल्डर की कंडीशन कैसी थी, किसको शेरू क्लासिक प्रोसो जीतना चाहिए, इन सब चीज के विषय में यहाँ पर हैरी संधू डिटेल पूर्वक बात करते हैं। इसके साथ ही मुकेश सिंह गहलोत का क्या रिएक्शन था एंड नितिन चंडीला और टाइगर भाई ने साउथ एशियन चैंपियनशिप के रिजल्ट के विषय में क्या कहा, इन सब चीज को भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे और आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटिशन की सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि नितिन चंडीला एंड टाइगर भाई ने साउथ एशियन चैंपियनशिप के रिजल्ट के विषय में क्या कहा है। आप खुशी देख रहे हो, खुशी है गोल्ड मेडल की भी और खुशी है खाने की भी है कि फाइनली चलो खुल के अब खाने को मिला कॉम्पिटिशन से, मतलब अपने स्टेज से उतरते। बाकी हार जीत पार्ट ऑफ द गेम, जो भी जजिस का फैसला था उससे ना खुश भी नहीं है और खुश भी नहीं है। ठीक है, उनको जो अच्छा लगा वो जीता बंदा, हमने अपने एंजॉयमेंट के लिए खेला। हमारी कैटेगरी में लगातार 5वां गोल्ड मेडल आया और लास्ट ईयर सिल्वर थे, दो सिल्वर थे, एक ब्रॉन्ज था और एक गोल्ड था। तो ठीक है, लगातार 2-3 साल अपने अच्छे जा रहे, अच्छी जर्नी कट रही है, इसी में खुश है कि चलो गोल्ड मेडल भी आया, बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल स्टेज पर आया वो भी। ठीक है जी, और इस बार प्रेप में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई, मतलब हाथ में चोट लगी है, एक्सक्यूज दे रहा हूँ, बट चोट बहुत ज़्यादा थी। अब मैं अभी हाथ ऐसे करूँगा तो आपको दिख जाएगी, पर अब भी लगी हुई है इसमें, तो जाके पहले ये भी रिकवर करेंगे, देन उसके बाद कोई आगे की चैंपियनशिप खेलेंगे। एक्सपीरियंस तो खैर बहुत बेकार रहा, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जिसको हम देख भी नहीं रहे थे, मतलब गिन भी रहे थे कंपैरिजन में, उस लड़के को ऑल ओवर टाइटल दे रहे। देखो स्पष्ट बोलना जरूरी है क्योंकि हम भी एक एथलीट और हमारे साथ जो एथलीट बैठे हुए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इंडिया के एथलीट बैठे हुए थे और कंट्री के एथलीट भी बैठे हुए थे, तो वो यही बोल रहे थे कि भाई डिजर्व नहीं था। हम सबको जो दिख रहा था नीचे से वो यही दिख रहा था कि स्टेज पे नितिन का ऑल ओवर चैंपियनशिप है। इवन जिस लड़के का चैंपियनशिप में ऑल ओवर टाइटल आया उसको भी खुद को अच्छा नहीं, मतलब भरोसा नहीं हुआ कि मेरा है, वो खुद ही हमारे लिए बोल रहा था, वो तो एकदम शॉक हो गया। वो कह रहा मेरे नाम लिया क्या, 2-3 बार उसने पूछा, इवन नितिन से पूछा था। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमें भी नहीं समझ आया। फिर हमें भी जजिंग को कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी मेहनत करेंगे, अपने आगे कोशिश करेंगे कि हम ये बोले कि यार उसमें ऐसा क्या था, हमें ऐसा क्या नहीं था। वीडियो में आप लोग देख ही लेना क्या था क्या नहीं था, एथलीट सभी देख लेते हैं और जज भी बनते हैं काफी लोग, वो भी देख लेंगे कि क्या था क्या नहीं था। तो कमेंट में बताना यार कि हमारा देखना सही था या जजों का देखना सही था। इशू की हमने प्रोग्रेस की जो हमें करनी थी, वी मेड सम ट्रेमेंडस प्रोग्रेस एंड ही गॉट गोल्ड वंस अगेन, मिस्ड आउट ऑन द प्रो कार्ड टू रवि एंड अमित, डिजर्विंग एथलीट्स। कोई मुझे शिकायत नहीं है कि इशू को नहीं मिला या इशू को मिलना चाहिए था, अगर इशू को मिल जाता तो फिर तो मतलब कि कोई नहीं कंप्लेन कर सकता था कि भाई इशू को क्यों दे दिया, इन इन लड़कों को नहीं मिला, किसी और को नहीं, तो किसी को भी मिल सकता था। इशू वॉज ऑल्सो वेरी डिजर्विंग, वी मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस दैट वी हैड टू, वी डिड, वी ब्रॉट अप हिज बैक, उसके एब्स में थिकनेस चाहिए, वो हम करेंगे, अभी लगाएंगे ऑफ सीजन, वो ऑफ सीजन नहीं लेना चाहते हैं भाई साहब, हर जून दिसंबर में कम्पीट करना चाहते हैं, वो बात अलग है, उनसे करेंगे बात अच्छी तरह से कि भाई ऐसे ग्रोथ नहीं होती है, चलो देखते हैं। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट लवप्रीत। लवप्रीत केम फिफ्थ एंड उसमें एक गलती की मैंने वो थी टैनिंग की गलती। टैन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डार्क हो गया था लवप्रीत का इस बार, जिसमें थोड़ी सी मेरी गलती भी है, मैंने ख्याल नहीं किया, बट देन अगेन हमने टैनिंग प्रोफेशनली करवाई थी, सो वी वेंट विद द एडवाइस ऑफ द पर्सन जो टैन कर, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, बट वी थॉट कि यार ये प्रोफेशनल टैन करने वाले, वी टेक देयर ओपिनियन एंड आई थिंक ही वॉज टू शेड्स टू डार्क, सो लेसन लर्नड, नेक्स्ट टाइम हम इतना डार्क नहीं जाएंगे। उसमें मेरी गलती है, अगर इफ आई एम द कोच, इफ आई एम स्टैंडिंग देयर, आई शुड बी मेकिंग अ जजमेंट कॉल कि यार बहुत हो गया, डार्क हो गया, रहने दो। बट एनी वे,
So these things happen. I don't want to blame the tan person. I would rather take the blame myself. Ke being a coach, it's my call. You know, वो तो कर रहा है. आप दूसरे की गलती नहीं निकाल सकते हो. Even if they're professionals. So tanning is one thing. उसके बाद उसकी fifth place आई. And we know what we need to do. मैंने head judge से बात की थी. I got some feedback from the head judge. We know what we need to be doing. We're going to be shutting down the season. We won't be competing this year again. 99% हम नहीं compete करेंगे, अब हम next year ही करेंगे. We need to make some improvements. Improvements हमने करनी है, उसको time लगेगा. तो लवप्रीत का हम season shut down कर रहे हैं. महीना डेढ़ दो महीने break देके बिल्कुल, उसके बाद फिर शुरू करेंगे August September में. So fifth थी लवप्रीत की, and that's cool. We accept the decision, no problems. उसके बाद चैतन्या सेकेंड फेयर डिसीजन. आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद द डिसीजन चैतन्या की. मुझे पता था कि जो उसकी वीकनेसेस हैं, जो हमें एरियाज पे हमें काम करना है. वी नो वी नीड टू वर्क ऑन हिज ग्लूट्स, वी नीड टू वर्क ऑन हिज हैमस्ट्रिंग्स. बिकॉज मुझे पता है कि फ्रंट में उसको कोई नहीं बीट कर सकता. लाइक फ्रंट पोजेस एटलीस्ट इंडिया में ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, जैसे हम किसी के पर्सनल के बारे में बात करें, हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, उसको प्लीज दिल पे मत लीजिए अगर कोई भी सुन रहा है, क्योंकि लोग उसको बोलते कि उसने ये बोला वो बोला. ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग इंडिया में कोई क्लासिक फिजिक का बॉडी बिल्डर नहीं है जो चैतन्या के आस पास भी है फ्रंट पोजेज में. आई वुड से कि चैतन्याज फ्रंट डबल बाइसेप्स, फ्रंट लैग स्प्रेड, हालांकि फ्रंट लैग स्प्रेड क्लासिक फिजिक में नहीं है, बट वो आपका मोस्ट पर्सनल योर मोस्ट फेवरेट पोज में आप यूज कर सकते हो. उसका जो हैंड्स टुगेदर वाला जो है मोस्ट मस्कुलर, या लैग स्प्रेड या फ्रंट बाइसेप्स के, उसके जितने भी पोजेज हैं, एब्स एंड थाइज भी, ही इज अनटचेबल. कोई आसपास भी नहीं है. एंड आई थिंक अगर आप उसको ओलंपिया के टॉप 10-15 में भी खड़ा कर दोगे, ही विल नॉट लुक आउट ऑफ प्लेस. हिज फ्रंट बाइसेप्स इज वेरी इंप्रेसिव. सो मुझे था इस चीज का इल्म के जब बैक टर्न अराउंड होगी तो हमें चैलेंज आएगा. बट बॉडी बिल्डिंग पूरे बॉडी पे स्कोर होती है. मुझे पता था कि पिछले दो पोजेस हार भी जाते हैं, दो पॉइंट हारता भी है लोअर बैक से, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग से. तो बाकी जो फ्रंट की इसकी जो प्रोफाइल है और अपर बैक वॉज ऑल्सो गुड इनफ, नॉट वेयर आई वुड लाइक इट टू बी. पर मुझे पता था कि हाँ ये ना, मतलब कि ही विल बी हार्ड टू बीट, बिकॉज बाकी जो पोजेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है. एंड ही प्रूव्ड इट. एंड जो मुझे हेड जज से भी मुझे फीडबैक मिला कि इन द फ्रंट शॉट्स ही वाज बीटिंग एवरीबॉडी, इवन जो बंदा फर्स्ट जिसने जीता है उसको भी ही वाज बीटिंग कंफर्टेबली. नॉट इट वाज नॉट इवन क्लोज, बट बैक से जो बंदा जीता है उसके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स वर मच शार्पर, एंड दैट इज वेयर ही लॉस्ट. अगर इसके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स थोड़े और शार्प होते तो शायद ये ही वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्लेस एंड गॉट द ओलंपिया क्वालिफिकेशन. लेकिन मैं इसको एक ब्लेसिंग समझता हूं कि अच्छा हुआ एक तरह से कि उसकी प्लेसिंग नहीं पड़ी, वो जीता नहीं. बिकॉज अगर वो जीत जाता ओलंपिया के लिए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं चार महीने में उसको ऑफ सीजन भी करा दूं, उसको मैं कटिंग भी करवा दूं और साइज भी एड करा दूं. तो वहां जाते वहां क्या होना था, लास्ट आना था, सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉल आउट में आ रहे हो. या वी आर नॉट गोइंग टू गोइंग फॉर द ओलंपिया, बॉक्स टिक करने नहीं जा रहे हैं हम. आपने ओलंपिया जाना सारा थर्ड कॉलर फोर्थ कॉलर में आना है, 10 लाख का नुकसान करा के थोड़ी जाना है. सो वो एक तरह से भगवान ने हमारा साथ दिया, अच्छा किया कि भाई ही इज नॉट रेडी फॉर द ओलंपिया स्टेज, तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए. तो वो एक तरह से आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि इसकी प्लेस नहीं पड़ी है, नहीं जीता ओलंपिया क्वालिफिकेशन. ओलंपिया क्वालिफिकेशन आ जाती तो काफी चांस था कि शायद हम जाते ही नहीं. मैं 90% में शायद लेके नहीं जाता इसको. मैं बोलता कि नहीं भाई, जाके 10 लाख लगाने की कोई सेंस नहीं बनती है, बॉक्स टिक करना है, शायद हम नहीं जाते. 90-50-50 होता, बिकॉज यार पैसा लगता है, सस्ती गेम नहीं है. यू नो 10 लाख रुपये लगा के जाना यार एक एथलीट के लिए एक मजाक नहीं है, स्पेशली जब आपको पता है वहां जाके खाली आपकी सेकंड कॉल आउट थर्ड भी नहीं आनी, थर्ड पे आना है आपने, क्योंकि आपके पास वो बैक नहीं है जो चाहिए. सो वो एक तरह से अच्छा हुआ भगवान ने डिसीजन मेरे हाथों से निकाल लिया, मुझे नहीं ये डिसीजन लेना पड़ेगा. बट हमारा लक्ष्य ये है कि अभी हम इस साल नहीं कम्पीट करेंगे, वी विल नॉट बी कम्पीटिंग दिस ईयर. हम लगाएंगे 12-15 महीने 20 महीने जितने भी लगते हैं. वी विल पुट इन द वर्क. हमारे पास 4-5 किलो का है
प्ले करने के लिए। इसकी 104 किलो की कट ऑफ है, तो 3 किलो क्रिस बम्स्टेड से कम है, ज्यादा नहीं है, 3 किलो बहुत होते हैं, लेकिन मैं इसको 100 तक, 99 तक, 101 किलो तक मैं आराम से नीचे ले जाता हूँ इसको, बिना कोई खास पानी कट किए, बिना कोई उल्टे सीधे काम किए, कार्ब्स भी रख के, जो मेरी प्रोटोकॉल्स हैं वेट में करने के, आधी दुनिया यूज कर रही है इस टाइम पे इंडिया में, तो मुझे पता है कि मैं इसको 5-6 किलो और मसल ऐड करा सकता हूँ इसको। मगर मैं 107, 108 किलो पे भी रेडी करता हूँ, तो 3-4 किलो पानी कट करके कोई बड़ी बात नहीं। सो दैट इज वेरी एक्साइटिंग कि ही इज अ यंग गाय एंड आई टेक केयर ऑफ हिम लाइक ऑल माई एथलीट्स, पागलों की तरह मोटे मोटे साइकिल नहीं चलाई जाने, आई टेक केयर ऑफ हिम, आई लाइक आई केयर फॉर ऑल माई एथलीट्स के हिसाब से काम करना है भैया, बेवकूफ नहीं बन जाना है। सो चैतन्य गॉट वॉट ही डिजर्व्ड, आई हैव नो कंप्लेन्स, लवप्रीत गॉट वॉट ही डिजर्व्ड, हो क्या वो 1-2 प्लेस ऊपर हो सकता था, हो सकता था, क्या वो जीत सकता था, मे बी, अगर आप उसको दे भी देते तो आई डोंट थिंक कि कोई कंप्लेन करता, अगर एलेक्स नहीं जीता तो किसी और को भी इंडियन को देते तो कोई कंप्लेन नहीं करता, आप अनिक को भी दे सकते थे, आप लवप्रीत को भी दे सकते थे, वर्धान को भी दे सकते थे, आप यू नो ही वॉज ओनली मार्जिनली आउट ऑफ द फर्स्ट कॉल आउट, तो आई डोंट थिंक कोई कंप्लेन करता। अगर यू नो अमित वन, ही लुक्ड फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, मैंने आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, आई विश्ड हिम लक बिफोर द शो, आफ्टर द शो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, कृष्णा ऑल्सो, सो यू नो ग्रेट डे फॉर इंडिया, फैंटास्टिक, आई एम हैप्पी फॉर देम, यू नो आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द ओलंपिया, यू नो पहला इंडियन क्वालिफाई हुआ है, एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट कृष्णा ऑल्सो, यू नो बींग द फर्स्ट ओलंपिया कोच, that's a great achievement, congratulations Krishna, you know your athlete looked fantastic, that's a fantastic achievement, second yoga, you're the first Indian Olympia coach, which is a huge thing, so you know massive props to you, and that's a fantastic, excellent, outstanding achievement, it's like for any coach, jaise athlete qualify hota hai Olympia ke liye, फर्स्ट कोच होना भी एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट टाइटल इज योर्स, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू, यू नो सो वेल डन टू यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। उसके बाद शो की बात कर लेते हैं, शो वॉज आई थिंक यू नो एवरी टाइम आई से दिस, इट वॉज एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज, ब्यूटिफुल अरेंजमेंट, प्रगति मैदान इज अ वर्ल्ड क्लास वेन्यू, बाथरूम्स आर क्लीन, हमें डे वन पे डॉक्टर की भी जरूरत पड़ी थी, नॉट फॉर दिस रीजन, किसी बंदे को वहां पे, सो वी गॉट द डॉक्टर देयर ऑल्सो, ही केम विद देम टू नर्सेज ऑल्सो बैक स्टेज, एंड सो अरेंजमेंट्स वर फैंटास्टिक एज ऑलवेज। जजिंग का मैं सिर्फ अपने एथलीट्स के बारे में बता सकता हूँ कि देखो मेरा तो भाई साहब कोई बंदा नहीं जीता। दोस्तों शेरू क्लासिक में हमारे 8 एथलीट थे, अब मैं एक एक करके अगर उनका एनालिसिस करूं तो विजय गोल्ड मेडल रहा बिलो 70 केजी बॉडी बिल्डिंग, हालांकि गोल्ड मेडल लगा हमारा, बहुत खुशी की बात है, फर्स्ट टाइम गया था और फर्स्ट टाइम में चैंपियन बन गया, लेकिन स्टिल थोड़ा सा 1-2 कमियां हैं जिसपे काम करके नेक्स्ट ईयर हम करेंगे क्लासिक फिजिक, उसकी वेट कैप है 78 केजी और बॉडी बिल्डिंग बिलो 80 केजी, तो हमें इस बार हमारा बॉडी वेट था 72 केजी, जबरदस्ती डिप्लीट करके बॉडी को हम 72 में आए, तो मुझे लगता है 6-7 किलो मसल मास गेन करके नेक्स्ट ईयर हम करेंगे क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग बिलो 80 केजी, थोड़ा चेस्ट में हमें और मास चाहिए, बैक की थिकनेस और विड्थ थोड़ी कम है उस पर और काम करेंगे, और ओवरऑल बॉडी थोड़ा थोड़ा साइज गेन करेंगे। दूसरा हिमांशु, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी हिमांशु की, लास्ट ईयर हमने 70 केजी किया था बॉडी बिल्डिंग और इस बार 6.5 किलो मसल मास गेन करके 76.5 केजी हम ऑन स्टेज थे, तो एक सीजन में 6.5 किलो मसल मास गेन किया हमने, टारगेट था 80 केजी करने का और उसी में हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी 3.5-4 किलो हम कैटेगरी से कम थे, स्टिल उसने अच्छी फाइट दी, ब्रॉन्ज मेडल आया और नेक्स्ट ईयर पूरा 80 केजी ऑन स्टेज लेके हम करेंगे पार्टिसिपेट, तो होपफुली और बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, जहां जहां हमें काम करना है उसका क्वाड्रिसेप्स पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, डेल्टा शोल्डर को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, चेस्ट पे और बल्क चाहिए, बैक उसकी आउटस्टैंडिंग है ऑलरेडी, बाइसेप अच्छा है, ट्राइसेप पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है,
स्टाफ पे और इम्प्रूव करना है, तो थोड़ा थोड़ा काम हर जगह होगा। तो नेक्स्ट ईयर बिलो 80 केजी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हम देने वाले हैं। फिर बादल हालांकि पांचवी प्लेस रही, बेस्ट टॉप 5 में रहे, लेकिन उसकी जो अभी तक की परफॉर्मेंस जितने बार भी वो स्टेज पे आया उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। हालांकि हम अभी मेडल से दूर है, तो और भी नेक्स्ट टाइम हम अपने पे काम करेंगे तो थोड़ा सा और बेटर कर पाएंगे। दानिश का क्लासिक फिजिक में टॉप 5 में रहा है अभी, और वेट कैप से थोड़ा सा अभी भी हम कम थे, लेकिन और ज्यादा दानिश का जो एक मेन कमी है कि उसकी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस नहीं होती, उस पे काम करना पड़ेगा उसको। मैं कई बार उसको बोलता भी हूँ हैवी ट्रेनिंग करनी है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इंटेंस रखना वर्कआउट को। तो थोड़ा मसल थिकनेस मसल डेंसिटी कम था, उसकी वजह से हार्डनेस स्टेज पे कम नजर आई, अदरवाइज उसका मसल शार्प भी था, पोजिंग भी अच्छी करता है और माइंडसेट भी अच्छा है। नेक्स्ट ईयर इसी सेम कैटेगरी में और बेटर पैकेज के साथ आएंगे। हालांकि दानिश को स्टेज पे थोड़ा सा नर्वस था, उसको लगा मैं टॉप 10 से बाहर हूँ, जबकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ 5 में तो आ ही जाएगा, और वो 5वीं प्लेस ले लिया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब थोड़ा सा और बेटर है। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी कमी उस पर काम करते हुए, जैसे हैमस्ट्रिंग और बेटर करना हमें, चेस्ट पे मास चाहिए हमें, और बैक पे ओवरऑल बैक पे थिकनेस चाहिए हमें, डेंसिटी चाहिए। तो इसके बाद अंकित सिल्वर मेडल रहा, बहुत अच्छी फिजिक है। लास्ट ईयर से हमने 2.5 किलो मसल मास गेन भी किया है, लेकिन और ज्यादा कर सकते थे, गेनिंग के हमारे 2 सीजन थे 10-10 वीक के। पहला सीजन उसका उतना अच्छा नहीं गया, कुछ सर्कमस्टेंसेस हो जाती है, कई बार हम डाइट पे और ट्रेनिंग पे पूरा कंसिडर नहीं कर पाते, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं। तो उसका भी पहला गेनिंग सीजन था 10 वीक का, वो थोड़ा सा हम उतना नहीं पकड़ के रख पाए, तो 2.5 किलो मसल मास गेन किया। अगर हम 87 केजी ऑन स्टेज थे, 90 केजी पूरा होता हमारा, हालांकि उसकी वेट कैप 94 केजी की है, मैं कोशिश मेरी रहेगी 90 से ऊपर लाके, नेक्स्ट टाइम हम 90 से ऊपर लेके खेले, अगर 90 भी होता तो और बेटर परफॉर्म कर पाते, क्योंकि कंडीशन अंकित की अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी थी, बेस्ट थी कंडीशन वाइज, लेकिन थोड़ा सा हम साइज में लैक कर रहे थे। देखो हमें तो अपनी कमियों को देखना है, हम कहाँ स्ट्रांग थे वो देखने से भी ज्यादा जरूरी है अपनी कमियां देख के, नेक्स्ट टाइम उसको काम करके हम बेटर परफॉर्म करेंगे। सुशील इसके अलावा एक हमारा था, सेकंड कॉल आउट में आया, अच्छी फिजिक है, थोड़ा सा पोजिंग पे काम इसको करना पड़ेगा, हालांकि लास्ट दिनों में मैंने काफी इंप्रूव किया इसको, ऑब्लिक्स थोड़े से ज्यादा इसके डेवलप हो रखे हैं, शोल्डर ओवर हमें, क्योंकि इसका आर्म बड़ा डोमिनेटिंग है, तो शोल्डर पे हमें ओवर मार्क्स चाहिए, थोड़ा सा इस पर काम करेंगे। इस टाइम सेकंड कॉल आउट में आए, नेक्स्ट टाइम हम मेडल के लिए फाइट करेंगे। तो 2-3 एथलीट ऐसे थे जिनको हालांकि मैंने उनको मना किया था अभी खेल बड़े स्टेज पे उतरने से, लेकिन उनका मन था तो मैंने बोला चलो आप खेलो, आप देखो अपनी प्लेस कहाँ पे है, नेक्स्ट टाइम के लिए उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेनिंग करेंगे। तो टोटल हमारे 8 एथलीट थे, ऑलमोस्ट हमने सभी एथलीट ने इम्प्रूव किया है, तो नेक्स्ट टाइम और बेटर पैकेज के साथ आएंगे, बेटर परफॉर्मेंस के साथ, बेटर रिजल्ट के साथ। और अगर मैं शो की बात करूँ तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा, हर बार की तरह हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए, मुझे नहीं लगता इंडिया में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, एक इंडियन एथलीट इसी शो से मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर गया है मेंस फिजिक में, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शो को होस्ट करती है टीम उसको भी शुभकामनाएं, इतना अच्छा शो इंडिया में होस्ट करते हैं आप हमारे एथलीट्स के लिए। थैंक यू।